नगर निगम कर्मचारी समन्वय समिति के बैनर तले धरना प्रदर्शन का आयोजन नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में आयोजित किया गया। इस धरने का मुख्य उद्देश्य नगर निगम के कर्मचारियों का उत्पीड़न और समस्याओं को अधिकारियों द्वारा उपेक्षित किए जाने को लेकर था। धरने में मुख्य रूप से समिति के संरक्षक रविंद्र कुमार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष देवेंद्र त्रिपाठी, उपाध्यक्ष शेषनाथ पांडे सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। धरना दे रहे कर्मचारियों का कहना है कि कर्मचारियों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया जा रहा है, साथ ही कर्मचारियों के भवन निर्माण के लिए भी ऋण उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए समन्वय समिति के महामंत्री राम प्रकाश सिंह और अध्यक्ष कौशल कुमार शुक्ला ने बताया, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, भाग से नए वर्ष में इस दरी पर बैठने का मौका मिला है। मित्रों, इस दरी की खासियत यह है कि आज कर्मचारी समाज पांचवें वेतन आयोग तक दूर लटका करके घूमता था। इस दरी की देन है कि छठे वेतन में समस्त कर्मचारी समाज सर उठा करके चल रहा है, शान से चल रहा है, अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा है। इस दरी की कीमत है, दरी की देन है। आज तक कोई भी कर्मचारी अगर हाथ उठा के बता दे कि बिना लड़े बिना हल्ला किए एक नया पैसा भी कभी किसी कर्मचारी को मिला हो, जब जब आप इस दरी पर बैठे हैं तब तक धीरे 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 आपको एक एक दिन उन्नति के रास्ते पर ही हमारा कर्मचारी समाज जा रहा है। लेकिन बीच में अंतराल कम हो गया था, दरी पर बैठने का क्रम हम लोग बंद कर दिए थे। अभी हमारे भाई राम प्रकाश सिंह ने बताया पूरे प्रदेश के 14 नगर निगम में तो 16 हो गए, लेकिन हम 14 कहेंगे। अभी दो हमारे छोटे भाई मथुरा और फैजाबाद आए हैं। 14 नगर निगम में गोरखपुर नगर निगम सबसे नंबर एक पर है। मित्रों, ताली बजा करके आप लोग इसका स्वागत करिए। लखनऊ राजधानी है, चार जोन में वहां 3 महीने से तनख्वाह कर्मचारियों को नहीं मिला है। 5-5 महीने 6-6 महीने से पेंशन किसी को नहीं मिल रहा है। कहने का मेरे तात्पर्य मित्रों यह है, और नए वर्ष में आप सब लोग एक शुभ सूचना और हम दे दें कि कौशल कुमार शुक्ला भी सेवानिवृत्त हो गए। 31 दिसंबर को हम भी रिटायर हो गए। अगर आप जगेंगे नहीं तो धूल में मिला दिए जाएंगे। अध्यक्ष भाई अशोक पाठक जी आपके बीच में है, जिनके पास बटन लगी हुई है, दबा देंगे पूरा सारा अंधेरा हो जाएगा। भाई हमारे सुरेंद्र पांडे जी स्पीच में चालक पर चालक हाथ भरे कहा ये है बैठे हैं, एक बार बटन दबाएंगे पूरे शहर की सारी हमारे नगर निगम की सारा चक्का जाम हो जाएगा। राम मनोहर दास, संजय श्रीवास्तव, रुद्र यादव हमारी टीम जंगल की बैठी है, स्विच दबाएंगे पूरे शहर में वाटर सप्लाई बंद। निर्माण कर्मचारी आए हैं, सारा सड़क बिजली सड़क वड़क बंदा सब बंद डाली नाला अला डाला बंद। सारी व्यवस्था सारी अमेरिका की तरह से हम लोग सबसे शक्तिशाली विभाग के लोग हैं, हम लोग ताकतवर है, हर हथियार आपके पास है। महामंत्री, ये कर्मचारी समस्याओं की लंबित मांगों को लेके कल हम लोग जो धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम शुरू किए हैं उसका प्रभाव पड़ा है। उसी क्रम में नगर आयुक्त साहब ने एक एक वार्ता के लिए आज शाम 4 बजे नगर निगम के गेस्ट हाउस में एक वार्ता होती गई है, उसमें कर्मचारी समस्याओं के समाधान में एक वार्ता होगी और सहमति बन के वही निर्णय होगा। अगर निर्णय नहीं बनता है आगे हम लोग इससे भी ज़्यादा गंभीर परिणाम नागरिकों को दिखाएंगे। बहुत ही सफल हमारा कार्यक्रम रहा। आज हमारे समन्वय समिति महामंत्री भाई राम प्रकाश सिंह जी द्वारा भूख हड़ताल प्रारंभ किया गया है।
जिसमें हम बैरनाथ महोदय से निवेदन करेंगे कि हम सब लोगों को समय रहते वार्ता बुला करके कर्मचारी समस्याओं का समाधान करें, जिससे अनावश्यक आंदोलन से हम महानगरवासियों को परेशान न करें, और यदि हम हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन करना हमारी मजबूरी है। इसके लिए हम महानगरवासियों से हम माफ़ी मांगते हुए प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन करेंगे, महापौर से निवेदन करेंगे कि वो हस्तक्षेप करके इस टकराव को टालें और हमारी समस्याओं का समाधान कराएं। धन्यवाद। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह ने बताया कि कर्मचारियों की मांग के संबंध में कमेटी का गठन कर दिया गया है, जल्द ही इस पर विचार करके निर्णय ले लिया जाएगा। अपनी कतिपय मांगों को लेकर के यहाँ नगर निगम कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया गया है। एक कर्मचारी भूख हड़ताल पे भी बैठे हैं, उसके संबंध में अवगत कराना है कि कर्मचारियों की कुछ प्रमुख मांगे हैं, जिनमें मृतक आश्रितों को नौकरी पे रखा जाना, चिकित्सा प्रतिपूर्ति देना, बिजली विभाग के कई कर्मचारी थे जो निलंबित किए गए थे उनकी पुनर्बहाली के लिए, काम के घंटों में सुधार, और इन सभी कार्यों में पूर्व में ही कार्रवाई की जा चुकी है। मृतक आश्रित में जो लंबित प्रकरण थे इनके धरने प्रदर्शन से काफ़ी दिन पहले ही उनको उनका उसको लाभ दिया जा चुका है। बिजली विभाग के कर्मचारियों को भी पिछले 10 दिन पूर्व ही एक जेई छोड़ के जिनके खिलाफ न्यायालय में मामला लंबित है, बाकी कर्मचारियों को जांच अधिकारी की आख्या के अनुरूप कार्रवाई करते हुए उनको बहाली की कार्रवाई पूर्व में की जा चुकी है। एसीपी का लाभ दिए जाने के लिए समिति का गठन कर दिया गया है, साथ ही साथ हाउस लोन और मेडिकल चिकित्सा प्रतिपूर्ति पूर्व में भी दी जा रही थी और अभी भी वो जारी है, ये उनको अवगत करा दिया गया है। साथ ही साथ अपर नगर आयुक्त के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई है जिसमें लेखाधिकारी MNLP और GM जलकल ये शामिल हैं, ये कर्मचारियों से बात करके इनकी जो भी उचित मांगे हैं वो तुरंत उन पर निर्णय लेके उसको पूर्ण कराया जाएगा। साथ ही जलकल के कर्मचारी चाहते हैं कि उनको छुट्टी के दिनों में जो कार्य किया जा रहा है उसका वेतन दिया जाए, इस संबंध में और एक अन्य प्रकरण में शासन से दिशा निर्देश मांगा गया है, जैसे ही शासन से में दिशा निर्देश प्राप्त हो जाएगा हम उनको लाभ दे देंगे। हम स्वयं चाहते हैं कि कर्मचारी जो हमारे अपने परिवार के अंग हैं, हमारे भाई हैं, हम उनको जो भी उनके लाभ हैं वो सब उनको प्राप्त कराते रहें, लेकिन कुछ प्रकरण है जो शासन से संदर्भ किए जा चुके हैं और शासन के होने पर ही उनको लाभ मिलेगा, बाकी सारी चीज़ों से उनसे वार्ता हो रही है, अब शीघ्र ही अपने मतभेद दूर कर लेंगे। वहीं दूसरी ओर गोरखपुर न्यूज से दूरभाष से हुई वार्ता में नगर निगम कर्मचारी समन्वय समिति के महामंत्री राम प्रकाश सिंह ने कहा कि हम किसी भी कमेटी पर विश्वास नहीं करते हैं, हम सीधे नगर आयुक्त से वार्ता करेंगे।